हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले विभिन्न डायर साइज के चक्के के बारे में बात करेंगे। उनका न्यू साइज क्या है, कंडेम्ड साइज क्या है, व्हील डिफेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिफेक्ट चक्के में कैसे आते हैं, इनका नया साइज एवं कंडेम्ड साइज भी जानेंगे। साथ ही साथ हम चक्के में बॉर्न बीम प्रोफाइल के बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। व्हील यानी चक्का, रेलगाड़ियों में केवल सॉलिड तथा टायर व्हील प्रयोग में आ रहे हैं। सॉलिड व्हील एक पीस में होते हैं, जबकि टायर व्हील में टायर और रिंग अलग अलग होते हैं। टायर को रिम पर गिलेट रिंग के द्वारा बांधा जाता है। पहले एक्सल पर दोनों ओर इन चक्कों को फिट किया जाता है, तब गाड़ियों में लगाया जाता है। चक्के कितने प्रकार के होते हैं? हमारा पहला सॉलिड होते हैं और सेकंड टायर व्हील होते हैं। टायर व्हील वर्तमान में भारतीय रेलवे से प्रयोग में समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए हम सॉलिड व्हील पर ज़्यादा बात करेंगे। सॉलिड व्हील चक्के एक ही पीस में होते हैं, ये विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। ढांचों में स्टील को पिघलाकर एचसी साइज के सॉलिड चक्के बनाए जाते हैं, फिर इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली पावर मशीन के द्वारा फिनिशिंग की जाती है। अगर बात करें सॉलिड चक्के के क्या लाभ हैं, तो सॉलिड चक्के या भार में हल्के होते हैं, यह काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, इनकी ढीली होने की संभावना नहीं होती है, इनकी आयु टायर व्हील से उपयोग में हमें ज़्यादा समय तक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्के का वर्गीकरण, यानी चक्के को उनके व्यास यानी डायमीटर के अनुसार अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। पहला हम कोचिंग की अगर बात करें तो मुख्यतः हम ICF और LHP के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा ICF का न्यू डाया हमारा 915 mm तथा कंडेम्ड डाया हमारा 825 mm होते हैं। LHP की अगर बात की जाए तो 915 mm हमारा न्यू साइज होते हैं तथा 845 हमारा कंडेम साइज होते हैं, लेकिन वर्तमान में हम RDSO के द्वारा 855 करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। अगर बात करें गुड्स की तो बॉक्सन, BCN, BTPN और BOPN या BOPRN, ये सब में हम न्यू साइज 1000 mm तथा कंडेम साइज हमारा 906 mm होते हैं। गुड्स में अगर एक अलग टाइप की आती है कंटेनर बैगन, जिसे हम BLC बैगन बोलते हैं, उसका न्यू साइज हमारा 840 तथा कंडेम साइज हमारा 780 mm होते हैं। अगर व्हील की भाग की बात करें यानी पार्ट्स ऑफ व्हील की, तो एक हमारा एक्सल, सेकेंड हमारा डिस्क होते हैं। एक्सल में हम व्हील डिस्क माउंट, एक्सल जनरल एवं जनरल कैप होते हैं तथा डिस्क में हमारा ट्रेड फ्लैंज, इनर हब तथा आउटर हब होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जनरल कैप, शोल्डर, ट्रेड, एक्सल, इनर हब, फ्लैंज, आउटर हब तथा जनरल हमारा है। व्हील गेज यानी एक ही एक्सल पर लगे हुए दोनों चक्के के बीच की न्यूनतम दूरी को हम व्हील गेज कहते हैं। इसको मापने के लिए फ्लैंज की टॉप पोजीशन या सबसे ऊपर से 13 mm नीचे की ओर व्हील गेज लगाते हैं। चक्के का व्हील गेज 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 1599 से 1602 mm तक हमारा आते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हील बेस, यानी एक ही गाड़ी या एक ही ट्रॉली में लगे हुए दो चक्कों के एक्सल के मध्य की दूरी को हम व्हील बेस कहते हैं। LHB का व्हील बेस हमारा 2560 mm, BMBC यानी बोगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर, और ICF में हमारा 2896 mm हमारा व्हील बेस होते हैं तथा कैसनव का व्हील बेस हमारा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए 2000 प्लस माइनस 5 mm रखा गया है। और एक हमारा गार्ड वन यानी फोर व्हीलर UIC ट्रॉली होते हैं, जिसका व्हील बेस हमारा 2000 mm होते हैं। व्हील बेस हमारा दो प्रकार के होते हैं, जो हमारा रिजिड यानी फिक्स्ड होते हैं, जो हमारा ICF तथा फियट बोगी यानी LHV में प्रयोग किए जाते हैं, तथा फ्लेक्सिबल की बात की जाए तो ये हमारा कैसनव ट्रॉली होते हैं, जो हमारा 1995 से 2005 mm यानी 2000 प्लस माइनस 5 mm के बीच रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं व्हील गेज।
ये हमारा व्हील वेज हो गया और ये हमारा व्हील बेस हो गया, ये हमारा व्हील बेस ICF का, LHB का, कैसनप, UIC और BBZI। नेक्स्ट हमारा है रेल गेज। रेल गेज क्या होता है, तो दो पटरियों यानी रेलों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेल गेज कहते हैं, जो रेल के टॉप से 13 mm नीचे से ली जाती है। अगर बात करें रेलवे गेज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारा पहला ब्रॉड गेज जो 1676 mm का होते हैं, जो अभी भारतीय रेलवे में वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। मीटर गेज की बात की जाए तो एक 1000 mm का होते हैं। नैरो गेज तो ये हमारा 762 mm, और फोर्थ हमारा लाइट नैरो गेज होते हैं, ये हमारा 610 mm के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्के की खराबियाँ, यानी चक्के की खराबियाँ क्या है, तो व्हील में रनिंग गियर का मुख्य भाग है, एक्सल के समायोजन के साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए दोष का निर्धारण भी हम इसी प्रकार से करते हैं, जैसे एक्सल का बेंट होना, हॉट एक्सल का होना, ग्रिप अर्जिन करना, नोच एक्सल इत्यादि। इसी प्रकार से व्हील के भी दोष होते हैं, जिसका परीक्षण व्हील डिफेक्ट गेज के द्वारा हम करते हैं। और व्हील की अगर बात करें कितने प्रकार के व्हील डिफेक्ट होते हैं, तो हमारा टोटल 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले नंबर की बात करें कि थिल फ्लेंज यानी नए व्हील, जिसमें फ्लेंज की मोटाई 28.5 mm होते हैं, यह घिसकर 16 mm रह जाए तब यह व्हील थिन फ्लेंज कहलाते हैं। इसके अगर कारण भी बात करें कि थिन फ्लेंज क्यों आते हैं चक्के में, तो रेल ट्रैक की अधिक गोलाई या कर्व का घुमावदार होना, एक्सल बैंड होने के कारण या ट्रॉली बैंड होने के कारण, एक ही एक्सल पर लगे चक्कों के डायमीटर में काफ़ी ज़्यादा अंतर होने के कारण। अगर इसकी इफेक्ट की बात करें कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो फ्लेंज पतली होने के कारण रेल और फ्लेंज के बीच गैप बढ़ जाता है, जिससे चक्का हमारा लहराता हुआ चलेगा, जिससे चक्का रेल पर चढ़ सकते हैं, फ्लेंज टूट सकती है और अटैक एंगल से डिलमेंट हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं थिन फ्लेंज, जिसमें हमारा न्यू साइज जब होते हैं 28.5 mm, तो ये हमारा अंदर की तरफ नहीं जा पाते, लेकिन जब पतली हमारा फ्लेंज हो जाती है 16 mm की लगभग, तो ये हमारा अंदर की तरफ चले जाते हैं, जो हमारे काफ़ी गैप फ्लेंज के बीच हो जाते हैं और चक्का लड़ाता हुआ चलते हैं, जिसके कारण हम डीलमेंट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है सार फ्लेंज, यानी चक्के की फ्लेंज की टिप की गोलाई का रेडियस जो 14.5 mm होते हैं न्यू में, जब यह रेडियस 5 mm या इससे कम हो जाए तो इसे सार फ्लेंज कहते हैं। इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे भारतीय चक्के में, तो चक्के में सार फ्लेंज होने से पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग पर गाड़ी 2 रूट या 2 लेना हो सकती है और गाड़ी डीलिमेंट हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सार फ्लेंज में यहाँ पर आप गैप देख पा रहे होंगे न्यू साइज में, लेकिन जब कंटेन होने पर ये हमारा गैप साइड से आने लगते हैं, जिसे हम सार फ्लेंज के दोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियस टू स्मॉल एट द रूट ऑफ फ्लेंज, यानी चक्के की फ्लेंज की जर की गोलाई का रेडियस जो 16 mm होते हैं, जब यह रेडियस घिसकर 13 mm या इससे कम हो जाए तो इसे रेडियस टू स्मॉल एट द रूट ऑफ फ्लेंज कहते हैं। इससे चक्के पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इससे व्हील लाइन से ज़्यादा रगड़ कर चलती है और इंजन को ज़्यादा शक्ति लगाकर घिसना पड़ता है। फ्लेंज का झुकाव कम होने के कारण गोलाई पर यह व्हील पटरी पर चढ़ने का प्रयास करता है, जिससे गाड़ी डील हो सकती है। ये आप देख सकते हैं रूट रेडियस टू स्मॉल की, कि यहाँ पर हम साइड से गैप देख पा रहे होंगे, लेकिन कंटेन होने पर हम मिडल से हम देख पा रहे होंगे गैप, यह इसकी पहचान है जो हम टायर डिफेक्ट गेज से मापते हैं। ये हमारा टायर डिफेक्ट गेज है, जिसके सहारे हम चक्के की खराबियों को मापते हैं।
नेक्स्ट हमारा है डीप फ्लेंज, यानी चक्के की फ्लेंज की ऊंचाई ट्रेड से 28.5 होती है न्यू में, और ट्रेड पटरी के संपर्क में सबसे अधिक रहता है, और निरंतर यानी लगातार चलते रहने के कारण हमारा ट्रेड में घिसाव आते हैं, जिससे फ्लेंज की ट्रेड की ऊंचाई बढ़कर हमारा 35 mm हो जाती है, तो इसे हम डीप फ्लेंज कहते हैं। और इससे हमें चक्के पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो चक्के में डीप फ्लेंज या होलो टायर होने से फ्लेंज की लंबाई बढ़ जाएगी, जो रेल के ट्रैक के फीस प्लेट के नट बोल्ट को तोड़ सकती है, जिससे गाड़ी डिलमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यानी इसी की अगर बात करें डीप फ्लेंज की, तो डीप फ्लेंज में आप देख पा रहे होंगे कि न्यू साइज में हमारा इसमें गैप देख पा रहे होंगे, लेकिन जब कंडेंट होने पर ये हमारा फ्लेंज टोटल इस गैप से भर जा रहे हैं, जो हमारा डीप फ्लेंज को साफ साफ बता पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है थिन टायर, यानी टायर की मोटाई जो 63.5 mm होती है, जब यह घिस कर 25 mm या इससे कम हो जाए तो इसे हम थिन टायर कहते हैं। इसका कारण की अगर बात की जाए तो चक्का लगातार चलते रहने के कारण, और हानि की अगर बात करें तो चक्का टूट सकते हैं, जिससे गाड़ी डील हो सकती है। ये आप देख पा रहे होंगे थिन टायर की, जिसमें हमारा एस मार्क जो मार्किंग की गई है, और ए मार्क ये हमारा इस मार्क से नीचे होने चाहिए न्यू साइज में, लेकिन जब कंडेम्ड हो जाते हैं तो ये हमारा एस मार्क और ए मार्क दोनों हमारा सेम डायरेक्शन यानी सेम हॉरिजेंटल पॉइंट पर आ जाते हैं, जो हमारा थिन टायर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है होलो टायर, यानी ट्रेड की ढाल 20:1 होती है। इसका मतलब हुआ कि 20 mm लंबाई में हमारा 1 mm का टेपर होते हैं, जो घिसकर 1:20 हो जाए, ऐसी व्यवस्था को हम होलो टायर कहते हैं। यानी टेड की ढाल घुमावदार रास्ते पर रेलगाड़ी को मोड़ने में सहायक होती है। यदि चक्के की ढाल 20:1 से 1:20 हो जाती है तो गाड़ी घुमावदार रेल मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अगर नोट की बात की जाए तो डीप फ्लेंज और होलो टायर हमारा साथ साथ होते हैं, जो एक ही भी साथ व्हील पर उत्पन्न होते हैं, जो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर डीप फ्लेंज की पहले बात कर रहे थे कि न्यू साइज में हमारा यहाँ पर हमारा गैप बना रहता है, और यहाँ पर भी हमारा गैप बना रहता है, जो हमारा होलो टायर के बता रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि डीप फ्लेंज में जब कंडेम्ड होते हैं तो ये हमारा ऊपर वाले भाग से टच हो जाते हैं, और हमारा जब होलो टायर होते हैं तो ये हमारा यहाँ पर भी टच कराते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि डीप फ्लेंज और होलो टायर हमारा एक ही साथ उत्पन्न होते हैं चक्कों में। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लैट प्लेसिस ऑन टायर होते हैं, यानी व्हील पर ब्रेक बाइंडिंग के कारण यह दोष उत्पन्न होते हैं, जो ट्रेड पर 3 mm गहरा लंबा होते हैं, जिससे फ्लैट प्लेसिस कहते हैं। ICF में यह 50 mm, LHME में 45 तथा गुड्स में हमारा 60 mm तक परमिसिबल है। इससे ज़्यादा होने पर हम गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे। इस दोष के कारण गाड़ी चलते समय धड़धर की आवाज़ आती रहती है, जिससे स्प्रिंग नट बोल्ट रेल लाइन और रोलर बियरिंग भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैट प्लेसिस, जिसमें हमारा न्यू जब चक्के होते हैं तो दोनों तरफ से हमारा गैप बने रहते हैं, लेकिन जब कंडेंट होने पर पूरा हमारा सपाट बन जाते हैं, जिससे हमारा चक्के की धड़धड़ आवाज़ आती है और गाड़ी हमें बियरिंग वगैरह क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा है, इससे अलावा भी हमारा इस जो 7 दोष के बारे में बात करें डिफेक्ट के, व्हील डिफेक्ट की, इसके अलावा भी हमारा कई सारे डिफेक्ट है जो हमारे LHB कोच में ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं। अगर बात की जाए कि सेल ट्रेड, इस अवस्था में ट्रेड में छोटे छोटे धातु के टुकड़े झड़ते हैं, तो ऐसे व्हील को हम सर्विस से निकाल कर रीप्रोफाइलिंग के लिए हम वर्कशॉप को भेज देते हैं। सेकेंड है हमारा शटर्ड रिम, यानी व्हील के ट्रेड या फ्लेंज में फ्रैक्चर हो तो ऐसी अवस्था में हम शटर्ड रिम कहलाती है। थर्ड हमारा है स्प्रेड रिम, ट्रेड पर रोलिंग या क्रैक्स के उत्पन्न हो सकते हैं, इस तरह के व्हील सेवा से हटा देना चाहिए। फोर्थ हमारा थर्मल क्रैक्स है,
यानि तीव्र ब्रेक बाइंडिंग से व्हील की सघन हीटिंग होती है, जिसके कारण थर्मल क्रैक्स उत्पन्न होते हैं या गहरे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। पांचवा हमारा है हीट क्रैक, यह लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। इसमें व्हील को तब तक नहीं बदलेंगे जब तक यह क्रैक एक जगह से शुरू होकर दूसरे जगह तक अंत ना हो। नेक्स्ट हमारा है व्हील डायमीटर, यानी अगर बात करें कि एक गाड़ी में या एक ट्रॉली में हमारा व्हील डायमीटर में कितना अंतर होना चाहिए कोचिंग या गुड्स में, तो पहले हम कोचिंग की बात करेंगे। एक ही एक्सल पर दो चक्कों के बीच हमारा 0.5 mm का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर हम अलाउ नहीं करेंगे, तथा एक ही ट्रॉली पर हम 5 mm का डिफरेंस व्हील डायमीटर में ले सकते हैं, तथा एक ही कोच में हम 13 mm का डिफरेंस हम लेते हैं। लेकिन इसके उलट हम गुड्स में एक ही एक्सल पर 0.5 mm तथा एक ही ट्रॉली में 13 mm तथा एक ही वैगन में हमारा 25 mm का हमारा डिफरेंस व्हील डाया में परमिसेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्कों का उपयोग, यानी चक्कों का नया या कंडेम साइज की अगर बात की जाए तो 16 टन यानी फोर व्हीलर वैगन में हमारा 290 नया होते हैं, तथा कंडेम साइज हमारा 990 होते हैं, जो हमारा UIC टाइप होते हैं, जो हमारा गार्ड वन में चार चक्कों वाले पीछे लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉक्स या BCX, जो हमारा वैक्यूम ब्रेक सिस्टम जब उपयोग में आते थे उस समय की बात है, ये हमारा 1000 mm का होते थे तथा कंडेम साइज हमारा 860 mm होते थे। उसके बाद हमारा BWL तथा BWT, जो हमारा डायमंड ट्रॉली होते हैं यानी कास्ट स्टील बोगी, ये हमारा इसमें नया साइज हमारा 915 mm तथा कंडम साइज हमारा 813 mm होते हैं। और एक होते हैं हमारा बॉक्सन BCN, BTPN और BRN, इसमें हमारा नया साइज 1000 mm तथा कंडम साइज हमारा 906 mm होते हैं। नेक्स्ट हमारा है BLC वैगन, यानी बोगी लोअर कंटेनर वैगन, जिसमें हमारा न्यू साइज हमारा 840 mm तथा कंडेम साइज हमारा 780 mm होते हैं। और कोचिंग स्टॉक की बात की जाए तो हमारा 13 टन स्पेरिकल रोलर बियरिंग यानी नॉन एसी में हमारा नया साइज 915 mm तथा कंडेम साइज हमारा 825 mm होते हैं। अगर बात करें 16 टन स्पेरिकल बियरिंग के लिए तो इसमें भी हमारा सेम ही होते हैं 915 और 825, तथा CTRB कार्टज टेपर रोलर बियरिंग, जो LHB कोच में बियरिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, इसमें हमारा नया साइज 915 तथा कंडम साइज 845, जो वर्तमान में 855 कर दिए गए हैं। अगर बात करें कि UIC में किस प्रकार के ट्रॉली का प्रयोग करते हैं तो सिलेंड्रिकल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, ICF में हम स्पेरिकल बियरिंग का, तथा LHB तथा कैसनव ट्रॉली में हम CTRV यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉर्न व्हील प्रोफाइल, यह क्या होता है, यह क्यों किया जाता है, तो बात करें जब चक्के की, जो हमारा 28.5 mm न्यू साइज होते हैं, ये हमेशा बनाए रखना संभव नहीं है, जिससे बॉर्न व्हील प्रोफाइल द्वारा थिन फ्लेंज के दोष उत्पन्न होते रहते हैं, और इसमें कंडम चक्के की फ्लेंज की निम्नलिखित 3 साइजों में तैयार करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बॉर्न व्हील प्रोफाइल के द्वारा फ्लेंज का साइज हम 28.5 ही दिया जाए, इसका उद्देश्य चक्कों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होता है, जिसको हम जब प्रोफाइलिंग करते समय 3 कैटेगोरियों में तैयार करते हैं। इसमें पहला हमारा 25 mm, सेकेंड 22 mm, थर्ड हमारा 20 mm के होते हैं। अगर बात करें कि वो व्हील जिनकी फ्लेंज की मोटाई 28.5 mm नया में होते हैं, लेकिन बॉर्न व्हील प्रोफाइल के द्वारा तैयार होने पर 25 mm होते हैं, उनको हम सुपर फास्ट ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन तथा शताब्दी जैसे ट्रेनों में हम उपयोग करते हैं। लेकिन जब 22 mm या 20 mm मोटाई वाली फ्लेंज वाले चक्कों का उपयोग मालगाड़ी एवं पैसेंजर गाड़ी में करते हैं, लेकिन मालगाड़ी में हम किसी भी प्रोफाइल का चक्के का प्रयोग यानी हम 25, 22 या 20 किसी का भी कर सकते हैं।